मोदी जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को अपना बना लेते हैं और वहां के लोग भी उन्हें अपना समझ लेते हैं। ऐसा ही कुछ सोलन में भी देखने को मिला। नरेंद्र मोदी ने सोलन के मशरूम को याद रखा और उन्होंने ये भी बताया कि काफी वर्ष पहले जब वह हिमाचल में भाजपा के प्रभारी रहे तब वह अक्सर सोलन आया करते थे और सोलन के माल रोड पर टहला करते थे और टहलते हुए अपने मित्रों और कार्यकर्ताओं के साथ वे माल रोड पर स्थित मनोहर लाल की दुकान से अक्सर चने खाया करते थे। इतने वर्षों बाद न केवल दुकान को याद रखना बल्कि दुकान के मालिक को भी पहचानना, ये बात सोलन के लोगों के दिलों को छू गई। मोदी जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को अपना बना लेते हैं और वहां के लोग भी उन्हें अपना समझ लेते हैं। ऐसा ही कुछ सोलन में भी देखने को मिला। नरेंद्र मोदी ने सोलन के मशरूम को याद रखा और उन्होंने ये भी बताया कि काफी वर्ष पहले जब वे हिमाचल में भाजपा के प्रभारी रहे तब वे अक्सर सोलन आया करते थे और सोलन के माल रोड पर टहला करते थे और टहलते हुए अपने मित्रों और कार्यकर्ताओं के साथ वे माल रोड पर स्थित मनोहर लाल की दुकान से अक्सर चने खाया करते थे। इतने वर्षों बाद न केवल दुकान को याद रखना बल्कि दुकान के मालिक को भी पहचानना, ये बात सोलन के लोगों के दिलों को छू गई। मनोहर लाल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके बेटे ने जब ये बात सुनी तो उनकी भी छाती गर्व से चौड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि आज वे बेहद खुश हैं कि एक साधारण व्यक्ति जो आज देश का प्रधानमंत्री है लेकिन उन्होंने कई वर्षों बाद भी उनकी दुकान को याद रखा, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अच्छे इंसान की पहचान है इसलिए आज उन्हें उन पर बहुत गर्व है। किसी वक्त नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रभारी हुआ, बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे, वो हमारी दुकान से ये चने खा कर गए थे। उस टाइम हमारे पिताजी के टाइम से ये सारा चला आ रहा। तब जैसे कि आप छोटे हो, उस टाइम हम बचपन में थे तो ये काफ़ी समय पुरानी बात है। तो इतनी पुरानी बात याद रखना एक तो पॉलिटिशियन के बड़े मान की बात है। तो जैसे कि आपकी चने की शॉप है, ये पूरे सोलन में कहीं और नहीं मिलती, काफ़ी पुरानी शॉप है। और कौन कौन लोग आते थे आपके फादर के टाइम के बाद? हमारे फादर बताया करते हैं कि जब शांता कुमार जी यहाँ से एक बार क्रॉस हुए थे तो उन्होंने भी हमारी दुकान से चने वगैरह खरीद कर हमारी दुकान का मान बनाया था। जैसे कि आज सुबह में आपकी शॉप का नाम है, आपको कैसा लग रहा है? ये सोचकर आज हमारी छाती जोड़ी होगी। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इस उन्होंने हमारी छोटी दुकान का इतना बड़ा मान लिया। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।